नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में और आज हम भारतीय संविधान का विकास समझेंगे हमने फंडामेंटल्स जब समझे थे शुरुआती आप वीडियो को देखेंगे अवेलेबल है ऑलरेडी तो उसमें हमने संविधान और संविधान के कार्यों को देखा था कि आखिरकार संविधान क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं आज के लेक्चर में हम समझेंगे संवैधानिक विकास को कि आखिरकार हमारे संविधान का विकास किस तरह से हुआ है संविधान किसी एक दिन का परिणाम तो नहीं है कि एक दिन में ही संविधान को लिखा गया हो या कुछ दिन में संविधान लिखा गया हो संविधान को लिखे जाने से पहले इसका विकास हुआ है धीरे 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 विकास हुआ है तो आखिरकार इस तरह इसका विकास किस तरह से हुआ है आज हम इसको संक्षेप में समझ लेते हैं तो सबसे पहले देखिए कि संविधान का जो विकास हुआ है संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है वह दो फेजेज में हमें दिखाई देता है हमें दो फेजेज में यह दिखाई देता है पहला तो कंपनी शासन के अंतर्गत और दूसरा क्राउन के शासन के अंतर्गत कंपनी के शासन के अंतर्गत कंपनी कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते ही होंगे कि क्वीन एलिजाबेथ बन ने इनको ट्रेडिंग राइट्स दिए थे कंपनी को सोलह सौ सो में कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद जो है एक तरह से आगे ये भारत में भी आए धीरे धीरे आपको पता ही होगा कि सत्रह में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने काफ़ी अपनी बढ़त निर्णायक बढ़ बढ़त हासिल कर ली थी और उसके बाद बक्सर का युद्ध ने अंतिम रूप से अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने में भारत में मदद कर दी सत्रह के बक्सर युद्ध से यह स्पष्ट हो गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से शासन करेगी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक रूप से विजय प्राप्त हुई थी तो कहने का सेंस है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ सत्रह में बक्सर का युद्ध सत्रह में तो इसके बाद कंपनी को शासन करना था और एक तरह से कंपनी तो पहले से ही शासन कर रही थी लेकिन क्या है कि कंपनी अब यह सिद्ध हो चुका था कि अंग्रेज ही निर्णायक रूप से यहाँ पर शासन करेंगे कंपनी जो लगातार शासन कर रही थी कई बरसों से तो उसमें क्या था कुछ कुछ समस्याएं आ रही थी जिसके वजह से जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कुछ लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एक्ट आए थे मूल रूप से पाँच एक्ट आए थे रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटी फिट्स इंडिया एक्ट सेवेंटी सेवेंटी एट्टी फोर चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन ये तो बेसिकली चार्टर थे बाद के ये चार्टर थे ये संसद ने नहीं बनाए थे बल्कि इनको क्वीन के तरफ से क्या होता था चार्टर दिया जाता था एक तरह से अधिकार पत्र दे दिया जाता था कि आप अधिकार है आपको कि आप आराम से व्यापार कीजिए भारत में ट्रेडिंग राइट्स दे दिए जाते थे एक तरह से तो ये प्रोविजन किए गए थे रेगुलेट करने के लिए कंपनी को बेसिकली इसमें कुछ प्रोविज़न किए जाते थे तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार एक एक एक्ट एक एक से समझ लेते हैं अच्छे से एक एक एक्ट एक से समझ लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं सत्रह सौ तेहतर का रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह सौ तेहतर का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में एक माइल स्टोन माना जाता है सत्रह सौ तेहतर का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी प्रशासन में पहली बार हस्तक्षेप इसी के माध्यम से किया गया था इसमें समस्या समस्या आखिरकार क्या थी क्यों रेगुलेट करना पड़ा इससे पहले क्यों रेगुलेट नहीं किया सत्रह सौ तिहत्तर में क्यों रेगुलेट करना स्टार्ट किया इस समय तक आते आते कुछ परिस्थितियां क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से रेगुलेट किया गया जैसे आप देखेंगे कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार भारी मात्रा में था कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार लगातार देखा जाता था कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार की यह स्थिति थी कि कई अधिकारी स्वयं भी अपना व्यापार वगैरह कर लेते थे रिश्वत होती थी और भ्रष्टाचार बहुत अति लेवल पर बढ़ चुका था तो ऐसे में क्या हुआ लाइड क्लाइव एवं प्रशासन उसका जो प्रशासन था वो उसका वर्ग अमीर बनता जा रहा था और इसी के कारण ब्रिटिश सांसदों में यह ईर्ष्या का विषय था ब्रिटिश सांसद अपने आप को लीड समझते थे और ऐसे में कोई गवर्नर वगैरह या प्रशासन अमीर बनता जाए तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या का विषय तो बनेगा ही बनेगा और भारत तो एक तरह से लूट खसोट का केंद्र बन ही चुका था अंग्रेजों के द्वारा तो ऐसे में प्रशासन में अति का भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था और उस भ्रष्टाचार के कारण यहाँ की सामान्य जनता के, सामान के अंतर्गत एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे अंग्रेजों के प्रति तो मूल रूप से क्या था लार्ड क्लाइव में प्रशासन वर्ग अमीर बनता जा रहा था जो ब्रिटिश सांसदों में ईर्ष्या का विषय था इसके अलावा इनका दबाव था कि कानून बनाकर वित्तीय अनियमितताओं को दूर किया जाए जो सांसद थे सांसद लगातार कह रहे थे कि इसमें रेगुलेट किया जाना चाहिए कंपनी के प्रशासन को जिसके माध्यम से एक कानून बनाकर वित्तीय अनियमितताओं पर इस पर रोक लगाई जानी चाहिए तो पहला रीजन था प्रशासन में भ्रष्टाचार रेगुलेट करने का दूसरा द्वैध शासन प्रणाली की लोकप्रियता द्वैध शासन प्रणाली की लोकप्रियता शुरुआत में आपको पता होगा कि क्लाइव थे उसी समय से यह द्वैध शासन एक तरह से प्रारंभ हुआ और इसमें क्या था कि दीवानी या राजस्व प्रशासन कंपनी के द्वारा किया जाता था अर्थात कंपनी क्या करती थी राजस्व की वसूली करती थी और अब देखिए यहाँ पर विडम्बना कि जो नागरिक प्रशासन होता था वह निजाम के द्वारा किया जाता था कंपनी क्या करती थी राजस्व की वसूली करती थी और निजाम के पास में इतने अधिकार नहीं होते थे और निजाम के पास में इतना धन नहीं रहता था कि वह विकास कार्य कर सके तो सोचिए सेंटीमेंट्स नेगेटिव सेंटीमेंट्स किसके अगेंस्ट में क्रिएट होंगे निजाम के अगेंस्ट में जो लोकल जो रूलर होता था उसके अगेंस्ट में अंग्रेजों के विरुद्ध तो क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि अंग्रेज अंग्रेज जब लूट खसोट कर रहे हैं जब जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं तो नो डाउट वहाँ पे भी उनके अगेंस्ट में भी क्रिएट होते थे लेकिन अंग्रेजों का प्रयास क्या था कि उनको एक तरह से बिले न बनाया जाए बल्कि बिलेन कौन बने निजाम बने क्योंकि निजाम को विकास करना है और नागरिक प्रशासन चलाना है तो ऐसे में द्वैत् शासन प्रणाली की लोकप्रियता अपने आप में ये अलोकप्रियता एक अलोकप्रियता अर्थात लोकप्रियता के अगेंस्ट मतलब लोकप्रियता शासन प्रणाली की नहीं थी अलोकप्रियता थी एक तरह से कुख्यात बन चुकी थी अंग्रेजों द्वारा अधिकतम वसूली की जाती थी लेकिन कृषि विकास के कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते थे जो राजस्व वसूली हो जाती थी लेकिन कृषि का विकास कैसे हो कृषि के लिए कुछ भी एक तरह से फंड आवंटित इस तरह से नहीं किया जाता था और कोई भी प्रयास नहीं किया जाता था अंग्रेज व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति जबकि भारतीय व्यापारियों पर अधिकतम कर लगाया जाता था तो भारतीय व्यापार उद्योग धंधे भी काफ़ी चौपट होने लगे थे तो इसके कारण समस्याएं क्रिएट होने लगी थी अब जो नागरिक प्रशासन निजाम के द्वारा किया जाता था शिकायतों का कर निवारण करने में निजाम अक्षम हो चुका था दरबार में भी एक रेजिडेंट रख दिया अंग्रेजों का कि दरबार में जिससे उसकी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर सके एक तरह से एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सके तो यह समस्या अपने आप में काफी बढ़ रही थी एक तरह से द्वैध शासन अर्थात दीवानी या राजस्व प्रशासन कंपनी के द्वारा और नागरिक प्रशासन या विकास से संबंधित या शिकायतों के निवारण से संबंधित कार्य किसके द्वारा यह नियम के द्वारा तो द्वैध शासन प्रणाली की इसके कारण लोकप्रियता घट रही थी और अलोकप्रियता बढ़ रही थी एक तरह से यह नेगेटिव स्वरूप अपना ग्रहण कर चुका था तो इसलिए द्वैध शासन प्रणाली की अलोकप्रियता के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही थी इसके कारण भी कहा गया कि कंपनी के अब तो रेगुलेट करना आवश्यक हो ही गया लेकिन मूल रूप से जो कारण था वो आप देखिए जो तात्कालिक कारण दिखाई देता है मूल जो कारण दिखाई देता है वह क्या कारण था वह मूल कारण जो था वह आप देखिए कि कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति थी कंपनी कम, की लगातार कमजोर आर्थिक स्थिति होती जा रही थी क्या कारण था भारत में और जगह तो लूट खसोट के पर्याप्त तो अवसर थे फिर कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति क्यों हो रही थी इसका भी कारण है भारत के लगातार आर्थिक शोषण के कारण कई अकाल पड़े सत्रह के आसपास कई अकाल पड़े जिसके कारण क्या है लोकल जो ब्लेजर्स थे और जो किसान थे वह कर देने में अक्षम हो गए अमेरिका में चाय का लगभग पिचासी प्रतिशत डच कंपनी द्वारा तस्करी के माध्यम से जाने लगा था क्या थे जो डच थे जिनको अभी हम नीदरलैंड के के लोग कहते हैं तो जो डच लोग थे वह क्या करते थे कम, आ, अमेरिका में चाय का लगभग पिचासी प्रतिशत डच कंपनी द्वारा तस्करी के माध्यम से जाने लगा था एक तरह से तस्करी होने लगी थी तो यहाँ से जो कंपनी में का जो चाय से व्यापार होता था एक तरह से उसका भी राजस्व काफ़ी तेजी से घटने लगा अब और देखिए अमेरिकी क्रांतिकारियों ने जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे या पढ़ी होगी जिन लोगों ने अमेरिकी क्रांतियों ने बूस्टन टी पार्टी के माध्यम से अंग्रेजों के चाय व्यापार को काफ़ी नुकसान पहुँचाया उनकी जो चाय व्यापार हो रहा था तो एक बूस्टन टी पार्टी हुई उसमें क्या किया उन्होंने चाय को बहुत नुकसान पहुंचाया जो ग्रेजुअ हो रहा था और जो तो अंग्रे अमेरिकी क्रांतिकारियों ने बूस्टन टी पार्टी के माध्यम से अंग्रेजों के चाय व्यापार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया इसके अलावा यूरोप में भी व्यापार की अनुकूल स्थिति नहीं थी तो इसके कारण क्या हुआ कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति होने लगी और कमज़ोर आर्थिक स्थिति होगी किसी कंपनी की तो क्या करेगी अपने अपने को बचाने के लिए कोई भी कंपनी अपने को बचाने के लिए फिर क्या करेगी लोन का सहारा लेगी निवेश का सहारा लेगी इस तरह से निवेश तो पहले से था ही जिनका लेकिन इतने से छोटे मोटे निवेश से कुछ नहीं होता कंपनी को उबारने के लिए जरूरी था कि एक अच्छा खासा लोन लिया जाए अच्छा खासा लोन लिया जाए तो लोन कौन देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन कौन देगा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी तो उसको तो लोन ब्रिटिश सरकार ही दे सकती थी इतनी सक्षम ब्रिटिश सरकार ही हो सकती थी तो इस प्रकार क्या था इस प्रकार आर्थिक तंगी के कारण कंपनी को जो धनराशि भारत में अपना वर्चस्व सेना इत्यादि के मेंटेन करने के लिए जो खर्च करने ही होती थी वो देने में कंपनी असमर्थ हो गई और सरकार को कर चुकाने में भी असमर्थ हो गई आखिरकार सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ता था और सरकार क्या करती थी अपनी सेना प्रोवाइड करती थी अन्य रूपों में कंपनी की सहायता करती थी भारत में तो सरकार को कर चुकाने में भी असमर्थ हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ ही कंपनी ने कंपनी ने क्या किया था तो कहने का सेंस है तो सरकार को कर चुकाने में कंपनी असमर्थ हो चुकी थी इसके साथ ही कंपनी ने क्या किया एक मिलियन पौंड के लिए आवेदन कर दिया कि एक मिलियन पौंड का जो है लोन दे दिया जाए कंपनी को लोन दे दिया जाए एक मिलियन पौंड का तो यह भी अपने आप में बात आ गई तो जैसे ही आवेदन किया कंपनी ने तो इसके कारण अब तो पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अवसर था और जो ब्रिटिश सांसद जो ईर्ष्या का ईर्ष्या करते थे जो प्रशासन से क्योंकि प्रशासन अमीर बनता जा रहा था तो उनको भी पर्याप्त तो अवसर मिल गया कि अब तो जो है इसको रेगुलेट किया जाए तो इस तरह से सत्रह सौ तिहत्तर तो के रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए प्रशासन में भ्रष्टाचार द्वैत शासन प्रणाली की अलोकप्रियता और कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति जिम्मेदार थी अगर मेन्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्रह तो का रेगुलेटिंग एक्ट किस पृष्ठभूमि में आया या ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी प्रशासन में पहली बार एस रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में क्यों किया गया इसके क्या कारण नहीं थे तो मैंने आपको ये कारण बता दिया आप मेंस का यहां से कर सकते हैं इसके अलावा क्या है कि आप प्रीलिम्स के लिए भी इनको प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं तो इन सभी कारणों से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे लॉर्ड नॉर्थ थे द्वारा सत्रह में एक समिति का गठन किया गया और समिति का गठन करने के बाद इसके रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम भी पारित कर दिया तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में अस्तित्व में आया तो कहने का कि रेगुलेटिंग एक्ट इस तरह से पारित हो गया रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट लाया गया और के आखिरकार क्या प्रोविजन थे उसको भी पहले हम समझ लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के क्या प्रोविजन थे उसको हम समझ लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की परिस्थितियां देखने के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रोविजन थे उनको समझते हैं और इनमें इसमें आपको पता ही होगा कि सत्रह सौ का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण रूप से प्रोविजन किए गए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें निर्णय कैसे होते थे बहुमत से लिए जाते थे निर्णय चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद होती थी जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करना आवश्यक कर दिया गया इसके अलावा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया जिसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से भी जानते हैं तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंटेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत एक तरह से यह आ गई इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजस्व नागरिक सैनिक कार्यों की रिपोर्टिंग की जाने लगी कलकत्ता में सत्रह में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई एलिजा इम्फे इसके प्रथम चीफ चीफ जस्टिस थे आपको पता ही होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तीन अन्य न्यायाधीश होते थे अंग्रेज अधिकारियों को उपहार घूस और व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाई गई तो इस तरह के प्रोविजन थे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो परिषद द्वारा बनाए गए जो नियम होते थे वह सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया था इसके अलावा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया बन बं, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अब सबॉर्डिनेट बन गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजस्व नागरिक सैन्य कार्यों की रिपोर्टिंग की जाने रिपोर्टिंग करना था कलकत्ता में सत्रह में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तीन अन्य न्यायाधीश होते थे अंग्रेज अधिकारियों को उपहार घूस और व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाई गई तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ सत्रह सौ तेतर रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कंपनी का प्रशासन किस तरह से चलता था उसमें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ये इंग्लैंड में होते थे और शेयर होल्डर्स के माध्यम से इनको इलेक्ट किया जाता था जो निवेशक होते थे जो शेयर होल्डर्स होते थे उनके द्वारा इनका इनको नियुक्त किया जाता था और उनको इलेक्ट किया जाता था तो ये प्रशासन चलाते थे मूल रूप से लेकिन क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे चेंज आएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा अब इसमें क्या किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजस्व नागरिक सैन्य कार्यो की रिपोर्टिंग यहाँ से होने लगी तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार कर इस पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित होने लगा कंपनी पर अब देखिए सत्रह में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया जिसकी सामान्य रूप से ज्यादा चर्चा नहीं की जाती लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के मध्य सबसे पहले इस अधिनियम द्वारा कार्यों का विभाजन किया गया क्या होता था सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के अंतर्गत क्या होता था अक्सर जो है संघर्ष और विवाद की स्थिति क्रिएट हो जाती थी क्योंकि गवर्नर जनरल जो भी नियम बनाता था उनकी रिपोर्टिंग करना सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत आवश्यक हो गया था तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के मध्य सबसे पहले इस अधिनियम द्वारा कार्यों का विभाजन कर दिया गया अर्थात तो कार्यपालिका का एक तरह से न्यायपालिका से अलगाव कर दिया गया कार्यपालिका का कौन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में कार्य का विभाजन कर दिया गया कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव यहीं पर दिखाई देता है आर्टिकल 50 एक बार पढ़ लीजिएगा भारतीय संविधान में वर्तमान में उसमें कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव किया जाएगा तो कहने का कहते एक जो प्रोविजन है आर्टिकल फिफ्टी में वह तो यहीं से दिखाई देता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ही दिखाई देता है तो संवैधानिक विकास का ही तो एक तरह से परिणाम है कि हमने कहीं ना कहीं आर्टिकल फिफ्टी में ये लिया हालांकि बाद में भी और विकास हुए हैं लेकिन यहां से कार्यपालिका का न्यायपालिका में से अलगाव दिखाई देता है इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को कम कर दिया गया अब चूंकि संघर्ष और विवाद की स्थिति होती थी इसलिए गवर्नर जनरल की परिषद के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को कम कर दिया गया था अब उस तरह केसों की रिपोर्टिंग वहां पर करना अनिवार्य नहीं रह गया था तो इस तरह से हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देख लिया अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं और क्या चीज है अब हम देख लेते हैं सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स द यंगर प्रधानमंत्री थे इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम आ गया था तो रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह की कमियों को दूर करने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया और सत्रह के एक्ट में जो प्रोविजन नहीं थे कई प्रोविज़न इसमें अतिरिक्त भी डाले गए तो इसका परिणाम क्या था सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट को की कमियों को दूर करने का प्रयास था इसमें देखिए द्वैध नियंत्रण संयुक्त सरकार डोइल गवर्नमेंट या ज्वाइंट गवर्नमेंट एक तरह से स्थापित करने का प्रयास किया गया कार्यों का विभाजन किया गया सेपरेशन और फंक्शंस किए गए इसमें जैसे राजनीतिक कार्य होते थे अब राजनीतिक कार्य कौन देखेगा सोजी और वाणिज्यिक कार्य कौन देखेगा यह तो स्पष्ट है कि कंपनी बेस्ट है यह तो स्पष्ट है ई ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में राजनीतिक कार्य कौन करेगा राजनीतिक कार्य तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए सिविल सैन्य राजस्व संबंधी मुद्दों पर नियंत्रण जो किए जाते थे और कंपनी के रिकॉर्ड यहाँ पर मैं जहाँ कंपनी का उल्लेख कर रहा हूँ वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ अंग्रेजों की जो कंपनी थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल छः मेंबर का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था जिसमें चांसलर ऑफ द एक्सचेजर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था उसका जो प्रेसिडेंट होता था वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था इसके अलावा चार प्रीवी काउंसलर होते थे जिसको किंग जो राजा होता था वह नॉमिनेट करता था तो राजनीतिक कार्य अब किसको देखने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था राजनीतिक कार्य और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में किसका वर्चस्व होता था एक तरह से सरकार का वर्चस्व दिखाई देता है पूरी तरह से इसमें सरकार सरकार ही रहती थी इसमें कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था तो सिविल सैन्य या राजस्व संबंधी मुद्दों पर इसका नियंत्रण था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंपनी के जो भी रिकॉर्ड हों उनकी जांच करने चेक करने रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच इसकी होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने आप में एक तरह से ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था तो द्वैध सर, सरकार द्वैध द्वैध नियंत्रण या संयुक्त सरकार की स्थापना की गई अर्थात राजनीतिक कार्य अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था और यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करता था और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वाणिज्यिक जो कार्य होते थे जो कमर्शियल फंक्शन होते थे वह कमर्शियल फंक्शन कौन देखता था वह कमर्शियल फंक्शन देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का को रिप्रेजेंट करता था और जो इसमें होते थे वह कंपनी के ही प्रतिनिधि होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्रतिनिधित्व करता था अब इसकी देख लेते हैं कि आखिरकार जो प्रावधान क्या थे पिट्स इंडिया एक्ट के ये हमने सारी चीजें तो देख ली कि ज्वाइंट गवर्नमेंट को स्थापित करने का प्रयास किया गया कि अर्थात राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार को और वाणिज्य कार्य किसको देखने होते थे वाणिज्यिक कार्य देखने होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब इसके हम प्रावधान देख लेते हैं प्रावधान क्या थे गवर्नर जनरल काउंसिल वाज नाउ रिड्यूस्ड टू थ्री मेंबर्स पहले कितनी होती थी चार सदस्य होती थी इसमें क्या होता था कि बहुमत हो गया मान लीजिए तीन लोगों तीन एक गवर्नर जनरल हो गए और इसके अलावा जो चार सदस्य होते थे तो चार सदस्य मिल गए कुल मिलाई पाँच सदस्य हो गई अब सोचिए तीन लोगों ने निर्णय क्या होते थे बहुमत से लिए जाते थे तो तीन लोग एक तरफ हो गए तो गवर्नर जनरल जो है वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था तो ऐसे में गवर्नर <coughs> जनरल <coughs> की जो काउंसिल थी उसकी उसके जो सदस्य थे उनको तीन तक कर दिया गया तीन तक कर दिया गया तो क्या होगा दो दो हो गए मान लीजिए गवर्नर जनरल है और उसको एक और कोई व्यक्ति मिल गया तो क्या होगा निर्णय ले लेगा क्योंकि दो दो बराबर हो गए बराबर की स्थिति में जो है गवर्नर जनरल आराम से निर्णय ले लेगा बेशक बहुमत न हो तो गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज नाउ रिड्यूस टू थ्री द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की पोजीशन काफी कुछ स्ट्रॉन्ग यहां से हो गई द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज नाउ अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो जो गवर्नर जनरल होता था तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से एक तरह से कार्य करेगा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वह तीन सदस्यीय काउंसिल होती थी और तो इस तरह से गवर्नर जनरल काउंसिल वाज नाउ अंडर अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था तो उसके माध्यम से एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गई द गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इंडिपेंडेंट पावर्स अब क्या किया गया पहले तो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत लाई गई थी अधीन की गई थी लेकिन अब तो क्या किया अब तो जो उसकी शक्तियों से ही वंचित कर दिया गया इंडिपेंडेंट जो शक्ति थी प्रेसिडेंसी की तो वह एक तरह से शक्तियों से ही वंचित कर दिया गया डिप्राइव्ड ऑफ देयर इंडिपेंडेंट पावर्स एंड कलकत्ता वॉज गिवन ग्रेटर पावर्स तो एक तरह से जो द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी तो उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और कलकत्ता या बंगाल की प्रेसिडेंसी को मजबूत मजबूत स्थान एक तरह से दे दिया गया अब देखिए इसकी असफलताएं क्या थी इस एक्ट की कुछ असफलताएं थी तो इस एक्ट की क्या अफलताएं थी उनको हम देख लेते हैं इट डिप्राइड द रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन इट डिवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल बट अगेन विदाउट फिक्सिंग क्लियर कट बाउंड्रीज अब इसमें क्लियर कट बाउंड्री तो इसमें भी स्थापित नहीं हो पाई थी जिससे क्या था कि एक दूसरे के कार्यों में अक्षेप और विवाद की प्रवृत्ति देखी जाती थी इसमें क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के बीच में शक्तियों का एक तरह से विभाजन कार्यों का विभाजन करने का प्रयास किया गया लेकिन अगेन क्लियर कट डिमार्केशन न होने की वजह से इसकी भी कुछ कुछ असफलताएं और समस्याएं यहां पर देखी गई इसकी भी कुछ विवाद की स्थिति देखी गई अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं तो चार्टर एक्ट के आखिरकार क्या प्रावधान थे चार्टर एक्ट की ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं लेते हैं, चार्टर एक्ट के सीधे प्रावधानों की बात करते हैं यह आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है संवैधानिक विकास इंग्लिश में इंग्लिश में जो मेंस में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वहाँ पर ये यूजफुल होगा और प्रीलिम्स में संवैधानिक विकास में ये यूजफुल रहेगा तो इसके चार्टर एक्ट के क्या प्रोविजन थे चार्टर एक्ट ट्रेडिंग राइट्स दे देती थी डायरेक्ट जो है क्वीन या राजा दे देता था क्वीन या किंग तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया परंतु चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा भारत अब क्या था कि यूरोप में ऐसी स्थितियां नहीं बची थी कि जो ब्रिटिश रेजिड ब्रिटिश जो नागरिक थे अच्छे से व्यापार कर सकें वहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी तो ऐसे में क्या किया गया उन्होंने दवा बनाया कि हमको भी ट्रेडिंग राइट्स दिए जाने चाहिए भारत में तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया अब केवल कंपनी ही व्यापार नहीं कर सकती थी बल्कि अन्य ब्रिटिश नागरिक भी यहाँ पर व्यापार कर सकते थे इसके अलावा चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा लेकिन अगर देखा जाए तो चीन के साथ व्यापार जो करना था वह कंपनी का एकाधिकार था इसके अलावा भारत में जो चाय का व्यापार होना था भारत में जो चाय का व्यापार किया जाना था उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार मोनोपोली बनी रही उसमें सामान्य नागरिक नहीं कर सकते थे तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त हुआ लेकिन चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा ओके भारत में चाय के अलावा अन्य वस्तुओं के व्यापार को ब्रिटिश ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया बस चाय के व्यापार पर मोनोपोली बनी रही लेकिन अन्य वस्तुओं को के जो व्यापार था वो ब्रिटेन के सभी नागरिकों को खोल दिया गया ट्रेड विद इंडिया फॉर ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट टी वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स भारत में धर्म और अंग्रेजी के प्रचार के लिए क्रिश्चियन मसी मिशनरियों मि, को भारत में अनुमति दी गई अर्थात क्रिश्चियन मिशनरी जब भारत में अगर जो धर्म धर्म का प्रचार कर सकते थे अंग्रेजी के प्रचार कर सकते थे तो इसको आकर प्रचार करते थे क्रिश्चियन मिशनरियों ने कई ने तो क्या है भारत में कुछ कुछ शिक्षा के लिए कार्य किए और अच्छे अच्छे कार्य भी किए लेकिन अधिकांश रूप से उन्होंने धर्मांतरण की गतिविधियां करने का प्रयास किया जिससे क्या है कि विवादास्पद स्थिति रही कई जगह पर स्थानीय स्तर पर कई संघर्ष भी देखे जाते थे अक्सर जो है वाद विवाद की भी स्थिति देखी जाती थी तो भारत में धर्म और अंग्रेजी के प्रचार के लिए क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी गई इट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन एंड इट आल्सो एलोकेटेड वन लाख रुपीज फॉर एजुकेशन एजुकेशन के लिए एक लाख रुपए एलोकेट किए गए थे शिक्षा के लिए एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया था अब आप सोचेंगे एक लाख रुपए में क्या होगा लेकिन एक लाख रुपए कब अठारह सौ तेरह में सोचिए ना तब तो एक लाख रुपए करोड़ों के बराबर होते थे तो कहने का कहते हैं कि एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया लेकिन फिर भी यह नाम मात्र का ही होता था इसमें कोई विशेष जो है फायदा नहीं हो पाता था एजुकेशन सेक्टर के लिए तो इस तरह से इसके हमने प्रावधान देख लिए अठारह के चार्टर एक्ट के अब हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट अठारह चार्टर एक्ट अठारह को देख लेते हैं तो चार्टर एक्ट अठारह सौ तैतीस के प्रावधानों की बात करें तो दमर्स कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज वर्क क्लोज डाउन इसमें क्या किया गया कंपनी की जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां थी उनको बंद कर दिया गया इट वाज मेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बस इसको प्रशासन करना था एडमिनिस्ट्रेशन करना था कमर्शियल एक्टिविटीज एक तरह से क्लोज डाउन कर दी गई लेकिन अधिकारियों ने फिर भी अपना व्यक्तिगत एक तरह से कुछ ना कुछ करते रहते थे हालांकि कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज क्लोज डाउन कर दी गई और प्रतिबंध आरोपित किए गए अधिकारियों पर भी कई वो इस तरह से व्यापार वगैरह और घूस वगैरह नहीं ले सकते थे इट वॉज़ मेड इंटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडियन पजेशंस जो ब्रिटिश इंडियन पजेशंस होते थे ब्रिटिश ब्रिटिश जो क्षेत्र होते थे उन पर उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहकर बनकर रह गई द कंपनीज ट्रेड लिंक्स विद चाइना बर आज दो क्लोज डाउन जो ट्रेड लिंक होते थे चाइना के साथ में तो वो भी एक तरह से क्लोज डाउन कर दिए गए वो भी बंद कर दिए गए जो तो चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था वह भी एक तरह से बंद कर दिया गया इसके अलावा द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगालबाज रीडेजिगनेटेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इसको भी नामित कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या गया? को कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अब शक्तियां काफी व्यापक हो गई और क्षेत्राधिकार काफी व्यापक हो गया दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, दियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बारने हेस्टिंग्स बारने हेस्टिंग्स बना था ना पहले क्या होता था गवर्नर होता था लेकिन बारेन हेस्टिंग को ही पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था तो अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बारने हेस्टिंग्स लेकिन भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक और अगर कहा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उसे ही बाद में क्या किया गया भारत का पूरा गवर्नर जनरल बना दिया गया कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटन वॉज अंडर द अंडर वन कंट्रोल अब पूरे भारत का जो प्रशासन था एक यूनिफाइड कंट्रोल में आ गया गवर्नर जनरल की काफी शक्तियां यहाँ पर बढ़ चुकी थी द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट ईयर लेजिस्लेटिव पावर बंगाल का गवर्नर और मद्रास बंगाल सॉरी uh, बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर थे उनकी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर तो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर ब्रिटिश इंडिया गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वह पूरे भारत पर विस्तृत हो गई द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड रिपील और एल्टर लॉ पर्टर्निंग टू ऑल पीपल एंड प्लेसेज इन द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज वेदर ब्रिटिश फॉरन और इंडियन नेटिव तो इसमें गवर्नर जनरल को एक तरह से काफी शक्तियां बढ़ाई गई थी क्यों क्योंकि भारत तक उसकी शक्तियों को विस्तृत कर दिया गया था तो अब उसको कोई भी अमेंडमेंट करने रिपील करने या फिर किसी भी लॉ में कोई भी चेंजेस करने की इसको एक तरह से शक्ति मिल गई चाहे वह ब्रिटिश टेरिटरी हो चाहे फॉरेन टेरिटरी हो या फिर जो इंडियन नेटिव टेरिटरी हो द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर जनरल को काउंसिल के शहत सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को रेगुलेट करने की शक्ति मिल गई उसे नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज टू हैव फोर मेंबर्स इसमें चार सदस्य होते थे द फोर्थ मेंबर हैड लिमिटेड पावर्स ओनली इसके बाद फोर्थ जो मेंबर होता था वो उसके बाद लिमिटेड पावर ही होती थी फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल जनरल गवर्नमेंट वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल वाज कॉल्ड इंडिया काउंसिल अब यहां पर ये यह इंपॉर्टेंट प्रावधान हो जाता है पहली बार क्या हुआ कि गवर्नर जनरल गवर्नमेंट को क्या कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दिया गया और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसको इंडिया काउंसिल नाम दे दिया गया तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रूप से प्रावधान आपको देख सकते हैं इसके चार्टर एक्ट अठारह के तो मुख्य रूप से क्या था कि कंपनी की ट्रेड लिंक चाइना के साथ क्लोज कर दिए गए थे और कंपनी को कमर्शियल जो एक्टिविटी थी उसको क्लोज कर दिया गया अब यह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी तो यह मुख्य प्रावधान थे अठारह के चार्टर में उसको बंगाल के गवर्नर को चूंकि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसलिए शक्तियां काफी व्यापक हो गई थी अब देख लीजिए चार्टर एक्ट अठारह तो इसके प्रावधान क्या थे वो देख लेते हैं इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज में अब ओपन कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया इसने अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेपरेट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल डिस्टिंग फ्रॉम द गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल से अलग सेपरेट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल होती थी बंगाल अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेपरेट गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल अब बंगाल का एक सेपरेट गवर्नर भी होता था और यह गवर्नर जनरल से अलग होता था क्योंकि गवर्नर जनरल तो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था ओके यहां तक क्लियर है इट एम्पावर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईदर टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू प्रेसिडेंसी अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये एम्पावरमेंट मिल गया उसको इतनी शक्ति मिल गई को है नई प्रेसिडेंसी का भी गठन कर सकता है और लॉ मेंबर जो होता था जो फोर्थ मेंबर होता था गवर्नर जनरल की काउंसिल में वह फुल मेंबर बना दिया गया और इसे राइट टू वोट भी मिल गया तो नहीं कहते थे अठारह तिरपन के माध्यम से एक ओपन कॉम्पिटिशन की बात की जाती है और बंगाल का सेपरेट गवर्नर बना दिया गया और इसमें जो गवर्नर जनरल थे अलग होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को शक्ति मिल गई कि वह किसी कॉन्स्टिट्यूंसी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बना सकता था इसके अलावा जो लॉ मेंबर था तो उसको भी राइट टू वोट एक तरह से मिल गया था तो इस तरह से हमने अठारह सौ तिरपन का चार्टर एक्ट भी देख लिया इसको भी हमने चार्टर एक्ट देख लिया अब हम आ, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नई चीजों को आ, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपनी शासन के अंतर्गत कंपनी शासन के अंतर्गत जो डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है वह है आपको समझ में आ गया होगा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो संवैधानिक विकास हुआ है भारत में क्राउन के अंतर्गत उसको हम देखेंगे थैंक यू वेरी